सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई प्रतिमा की आंखों से पट्टी हटा दी गई है। अब मूर्ति के हाथ में तलवार की जगह संविधान ने ले ली है, यानी दूसरे हाथ में संविधान की बुक है, ताकि ये संदेश दिया जा सके कि देश में कानून अंधा नहीं है और ना ही ये दंड का प्रतीक है। दरअसल न्याय का प्रतिनिधित्व करने वाली अदालतों में रखी गई मूर्ति को लेडी जस्टिस के नाम से जाना जाता है। न्याय की देवी की अब तक जो मूर्ति इस्तेमाल होती थी उसमें आंखों पर काले रंग की पट्टी बंधी नजर आती थी, जबकि एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार हुआ करती थी। पहले माना जाता था कि न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी कानून के समक्ष समानता का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका अर्थ है कि न्यायालय अपने समक्ष उपस्थित होने वाले व्यक्तियों की संपत्ति, शक्ति या स्थिति के अन्य चिन्हों को नहीं देख सकते, जबकि तलवार अधिकार और अन्याय को दंडित करने की शक्ति का प्रतीक माना जाता था। इस कदम को औपनिवेशिक विरासत को पीछे छोड़ने के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है, ठीक उसी तरह जैसे भारतीय दंड संहिता जैसे औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को भारतीय न्याय संहिता से बदल कर किया गया था। जानकारी के अनुसार न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ का मानना है कि भारत को ब्रिटिश विरासत से आगे बढ़ना चाहिए और कानून कभी अंधा नहीं होता, ये सभी को समान रूप से देखता है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्याय की देवी का स्वरूप बदला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मूर्ति के एक हाथ में संविधान होना चाहिए, ना कि तलवार, ताकि देश को ये संदेश दिया जाए कि वो संविधान के अनुसार न्याय करती हैं। तलवार हिंसा का प्रतीक है, लेकिन अदालतें संवैधानिक कानूनों के अनुसार न्याय करती हैं। न्याय के तराजू को दाहिने हाथ में रखा गया है क्योंकि वो समाज में संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब ये माना जाता है कि निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अदालतें दोनों पक्षों के तथ्यों और तर्कों को तौलती हैं।